दोस्तों अब ऐसी खोज हो गई है जिसे आपको पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जिनके पास पेट्रोल पंप हैं, उनकी नींद उड़ गई है। उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं उनके पेट्रोल पंप बंद ना हो जाएं और उनकी कमाई ना रुक जाए। लेकिन दोस्तों अगर हमारी ये खोज सफल रही तो हो सकता है कि उनका ये डर सच हो जाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस असीमित ऊर्जा की जो आपके पैरों के नीचे है, जिसे अगर हासिल कर लिया तो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल पंपों पर ताले लगे होंगे और यहाँ सिर्फ धूल उड़ती दिखाई देगी। इसके साथ ही दुनिया में ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। ये सब कैसे होगा, इसे जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि कैसे बिना पॉल्यूशन के हम ऊर्जा का असीमित सोर्स प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम बिजली के संकट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कई लेयर में बटी हुई है, जिसमें इसका मध्य पार्ट काफी ज्यादा गर्म है, जिसे हम इनर कोर कहते हैं। ये पृथ्वी की बाहरी सतह से 3000 मील की गहराई में है, जो सूरज से भी ज्यादा गर्म है, यानी कि इसमें सूरज से भी ज्यादा एनर्जी है। अगर इस एनर्जी को हमने हासिल कर लिया तो ये पूरी धरती की जरूरत को पूरा कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस ऊर्जा का मात्र 0.1% पूरी धरती को 20 मिलियन साल तक बिना किसी रुकावट के बिजली दे सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें यहाँ कितनी ज्यादा एनर्जी है। इसे हासिल करने के बाद तो पूरी दुनिया से बिजली की समस्या ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज के टाइम में एनर्जी को लेकर काफी दिक्कतें हमारे सामने हैं। कुछ सोर्स के जरिए तो प्रदूषण फैलता है, तो कुछ ग्रीन एनर्जी के जरिए हम ऊर्जा हासिल करते हैं। इसमें से हम अपनी जरूरत का 3% भाग ही जियोथर्मल एनर्जी से प्राप्त करते हैं, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। इस सोर्स के जरिए हम पृथ्वी के सतह के नीचे उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा होती है, जो प्रदूषण रहित होती है। लेकिन इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीन में काफी गहराई में होती है, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इस दिक्कत को पूरा करने के लिए MIT संस्थान ने ऐसी खोज कर डाली है जिसकी मदद से इस ऊर्जा को आसानी से हासिल किया जा सकता है। MIT की इस खोज की बात करें तो इसमें पृथ्वी के अंदर 20 किलोमीटर तक की गहराई में जाकर इसे ऊर्जा को हासिल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले इतनी गहराई में कभी खोदा नहीं गया है, लेकिन अब MIT की कोशिशों के बाद इसे पॉसिबल बनाया गया है। और उसने ये कैसे किया है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। हर 300 फीट पर 3 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी होती है। हर बढ़ते 300 फीट की गहराई के साथ यह तापमान भी बढ़ता जाता है, और अगर हम इसके कोर तक पहुँच जाते हैं तो यह तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जहाँ ऊर्जा का भंडार भी मिलता है। वहीं यह ऊर्जा हम तक कई रूपों में पहुँचती है, जैसे कि पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट से हमें इसका 30% हिस्सा मिलता है। इसके बाद इस ऊर्जा का 70% क्रस्ट और मेटल यानी कि मध्य भाग में मौजूद रेडियो एक्टिव तत्वों के डीके होने की वजह से मिलती है। दोस्तों ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि यह धरती का कई मिलियन सालों तक बिजली देकर उसे रोशन कर सकती है। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इसे हासिल करना भी है। दोस्तों इस तरह की एनर्जी को सिर्फ उन जगहों से हासिल किया जा सकता है जहाँ ज्वालामुखी के एक्टिव होने का प्रोसेस चलता रहता है। कुछ देशों ने इसे हासिल करने की कोशिश भी की है, लेकिन ये प्रोसेस यानी कि ड्रिलिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी होने की वजह से उन्होंने इसे रोक दिया। लेकिन अब MIT ने इसमें सफलता हासिल करने की कोशिश की है। इसके एक स्टार्टअप QUAIAC ने इसमें एक नई खोज की है। इसमें वो 20 किलोमीटर तक खुदाई करके इसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इतनी गहराई के नीचे मौजूद पानी अपने चौथे फॉर्म को हासिल कर लेता है, जिसके कारण जियो थर्मिनल पावर प्लांट की फ्रीक्वेंसी 20 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों 12 मील की खुदाई में तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे हमें क्लीन कार्बन न्यूट्रल हीट मिलती है, जो ज्यादातर फॉसिल फ्यूल प्लांट से चलने वाले पावर प्लांट को एनर्जी देने के लिए काफी है, जिससे कॉस्ट तो कम होगी ही, साथ ही टाइम की बचत और ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों आंकड़ों पर अगर बात करें तो एक जियोथर्मल हॉल बोर से 35 मेगावाट तक ऊर्जा हासिल की जा सकती है, यानी कि इतनी ऊर्जा हासिल करने के लिए आपको 35 विंड टर्बाइन लगाने होंगे। इसके साथ ही जियोथर्मल लगाने का ये भी फायदा है कि ये कभी बंद नहीं होती है, ये सातों दिन 24 घंटे लगातार काम करती रहती है और इससे ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। इसका मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ सोलर में सूरज की रोशनी का फर्क पड़ता है और विंड एनर्जी में हवा के कम ज्यादा होने पर ऊर्जा के उत्पादन में फर्क पड़ता है, जिससे कॉस्ट पर भी असर पड़ता है। लेकिन जियो थर्मिनल में इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ ही जो नई खोज की गई है उसमें गहराई के साथ कॉस्ट का कोई असर नहीं पड़ता है। वहीं इससे मिलने वाली ऊर्जा आप फैक्ट्रियों, घरों, ऑफिस, खेतों से सभी जगह कर सकते हैं। दोस्तों इस एनर्जी को पाने के लिए ड्रिलिंग में ग्रायोट्रॉन की मशीन की जरूरत होती है। ये ऐसी मशीन है जो हाई एनर्जेटिक मिलीमीटर वेब को जनरेट करती है, जिसका यूज न्यूक्लियर फ्रीजन के लिए टोकामैक रिएक्टर में किया जाता है। ये रिएक्टर दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर में से एक है। यहाँ से इसे यूज करके न्यूक्लियर फ्रीजन करने के बाद बहुत ज्यादा ऊर्जा हासिल की जा सकती है। इसके लिए ग्रायोट्रॉन मशीन 1 मेगावाट की एनर्जी रे लगातार जनरेट करता है।
वहीं जब इस रे को किसी चट्टान पर फोकस किया जाता है तो वो उसे बिना टच किए तोड़ देता है, यानी कि ये मशीन लेजर रेज की मदद से आसानी से चट्टान को तोड़ सकती है। वहीं वैक्यूम ट्यूब जो फाइबर ग्लास की तरह होती है उसकी मदद से मिलीमीटर वेब को काफी देर तक भेज सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि फाइबर ग्लास वो तकनीक है जिसकी मदद से इंटरनेट की तकनीक को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों QUAIAC का दावा है कि वो 100 दिन के अंदर 20 किलोमीटर की खुदाई कर सकते हैं, जो वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े हॉल को बनाने में ही 2 दशक का समय लग गया था। उसकी गहराई करीब 12 किलोमीटर है जो रूस में है। दोस्तों इस होल को डोर टू द होल भी कहा जाता है। वहीं QUAIAC का दावा सच में हैरान कर देने वाला है क्योंकि ये गहराई बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह की खोज से हमें फायदा होगा? क्या इतनी गहराई में खोदना धरती के लिए सही रहेगा? कहीं से हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि धरती ने हर चीज अपने हिसाब से बनाई है और उससे छेड़छाड़ इंसानों पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों जियो थर्मल से हम सिर्फ फायदे वाला पॉइंट देख रहे हैं, लेकिन जहां फायदा होता है तो वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं। जियो थर्मल से सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर हम इतनी गहराई में खुदाई करते हैं तो इससे जमीन के अंदर हलचल बढ़ जाएगी जिससे भूकंप की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कहीं जियो थर्मल एनर्जी का उत्पादन भी नहीं किया गया है, ऐसे में इससे यूज होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहीं साथ ही इससे कौन से खतरे पैदा हो सकते हैं इसके लिए कोई ज्यादा जानकारी हासिल नहीं है। और अगर हम इस तरह की एनर्जी के सोर्स को स्थापित कर भी देते हैं, लेकिन हो सकता है कि धरती के अंदर मौजूद कोई ऐसी गैस बाहर आ जाए जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, तो तब हम क्या करेंगे? इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है क्योंकि पृथ्वी की गहराई में गैसों का भंडार है। इनके बाहर आने से खतरा बढ़ जाएगा, ऐसे में हमें संभल कर काम करना होगा। दोस्तों आज बहुत से ऐसे देश हैं जो धरती के नीचे छिपे इन खनिज भंडारों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ भी जियो थर्मिनल प्लांट लगाया गया है जिसमें खास ONGC द्वारा भारत और चीन के बॉर्डर के पास लद्दाख में लगाया गया प्लांट है, जहाँ से हर घंटे 100 टन जियो थर्मिनल एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा जिन तेल के कुओं में तेल खत्म हो चुका है वहाँ और ज्यादा गहराई करके उन्हें जियो थर्मिनल एनर्जी सोर्स में बदला जा रहा है जिससे देश की जरूरत को पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम कुदरत से ज्यादा खिलवाड़ ना करें। हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा ना कर दें जिसका भुगतान करना इंसानों के लिए बहुत भारी पड़ जाए। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या हमें जियो थर्मिनल जैसी तकनीक इजाद करनी चाहिए? क्या हमें इसमें कोई नुकसान हो सकता है? इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।